मेरा शोहर ना मर्द था, वो मेरी तलब को जरा भी पूरा नहीं करता था। मैं जज्बात की शिद्दत से चूर थी और हर हाल में किसी का रब्ता चाहती थी। एक दिन जहन में मेरे 16 साल नौकर का ख्याल आया तो मैं अपने आप को रोक ना सकी। एक शाम मैं काम करके बहुत ज्यादा थक चुकी थी, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने अपने 16 साल नौकर को पास बुलाया और कहा, मेरे घुटने दबा दो। मैंने जिसे छोटा बच्चा समझकर पास बुलाया था, उसने तो मेरी जान निकाल दी थी, क्योंकि घुटने दबाते हुए उसका हाथ। मेरे शोहर शुरू से ही बैरून मुल्क रहते थे, वो जब वापस आते तो मेरी ज़रूरत को पूरा करने में नाकाम रहते। उन्होंने मेरे बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, वरना मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिससे मैं अपना काम करवा लिया करती थी और खासी मुतमैन भी रहती थी। प्यार मोहब्बत मुझे किसी से भी नहीं था, बस मेरी ज़रूरियात मुझे मर्दों के पास खींच कर ले जाती थी। मगर फिर मेरे शोहर ने मेरे बाहर आने जाने पर पाबंदी लगा दी। मैं बहुत कम वक्त में घर से निकल पाती थी और अगर किसी शदीद ज़रूरत के तहत घर से निकलती तो मेरे साथ एक मुलाजिम होता था जो हर वक्त मेरे साथ रहता था। मैंने उस मुलाजिम को भी रुझाने की बहुत कोशिश की थी ताकि मेरा मकसद पूरा हो जाए, मगर मैं उसमें भी कामयाब नहीं हो पाई थी। मैं अकेली घर में रहती थी और एक अकेला मुलाजम था, मगर इस सब के बावजूद उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि वो अपने मालिक का वफादार रहना चाहता है। उसने मेरे शोहर का नमक खाया है, इसलिए वो नमक हरामी नहीं करेगा। और मैं उसकी बात सुनकर पीछो ताब खाकर रह गई थी और अब मुझे मालूम हो रहा था कि मेरे शोहर को भी यकीनन उसी मुलाजम ने मेरे खिलाफ भड़काया होगा। मेरा दिल कर रहा था उसको इसी वक्त काम से निकाल दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था, क्योंकि मेरे शोहर सालार जरूर इस बात की वजह पूछता और मैं कुछ बताती या ना बताती वो मुलाजम उसे मेरे करतूतों के बारे में ज़रूर बता देता। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन और बेताब रहने लगी थी। सालार का भी वापसी का दौरानिया लंबा होता जा रहा था, क्योंकि अब तो 6-6 महीने गुजर जाते थे और वो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते थे, और ये बात मेरे गुस्से में मज़ीद इजाफा करती जा रही थी। मुझे उसकी ज़रूरत होती थी मगर उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, तो मैं क्यों उसकी इज्जत को संभाल कर रखती। मैंने उसे कई बार वाज़े अल्फाज में अपनी ज़रूरियात का बताकर भी बुलाने की कोशिश की थी, मगर उसे फिर भी मेरी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। इसलिए मुझे अब उसकी भी कोई परवाह नहीं थी और मैंने अपने काम को बाहर से पूरा करना शुरू कर दिया था, मगर उसने मुझ पर पाबंदियां लगा दी थीं। कभी कभी तंग आकर मेरा दिल करता मैं उससे तलाक ले लूं, मगर सालार को छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से थी और सालार ने मुझे हर किस्म का ऐशो आराम दे रखा था। मेरी तमाम हरकतों के बारे में जान लेने के बावजूद सालार ने मुझे नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने हक मेहर में मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी जो कि तलाक देने की सूरत में उसके हाथ से निकल जाती, और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहता था। इसलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन मेरे साथ मुकम्मल तौर पर रिश्ता निभा रहा था, बस मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा था। अब कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे वो जानबूझकर मुझे नहीं छोड़ रहा ताकि वो मुझे इस हद तक मजबूर कर दे कि मैं खुद ही उससे खुला मांग लूं और इस तरह हक मेहर की रकम हासिल करने में नाकाम हो जाऊं। मैं भी जैसे तैसे गुजारा कर रही थी, मगर चाहती थी कि वो खुद मुझे तलाक दे और हक मेहर की रकम मेरे पास आ जाए, मगर उन सब में मैं अपनी ज़रूरियात का क्या करती जो मुझे इधर उधर मुंह मारने पर मजबूर करती थी, और मैं गुनाह सवाब का फ़र्क किए बगैर
बखूबी अपनी जरूरियात को पूरा भी कर रही थी, मगर सालार की तरफ से लगाई हुई पाबंदियों की वजह से अब यह भी मुमकिन नहीं रहा था। फिर मैंने घर में मर्दों को बुलाने का ये हल निकाला कि मैं मुलाजम को सामान खरीदने के बहाने बहुत दूर दूर भेज दिया करती थी और खुद घर में रहा करती। मुलाजम को भेजने के बाद मैं अपने किसी भी दोस्त को घर पे बुला लेती थी और फिर अगले दिन मुलाजम को दोबारा बहुत दूर भेज देती थी, जिसके बाद मेरा मुलाजम वहाँ से चला जाता था और उसके दरमियान का सारा वक्त दोस्त मेरे साथ गुजारता था। कुछ अरसा इसी तरह मेरा काम चलता रहा, मगर अब मुलाजम शायद मेरे इरादों और नीयत को समझ गया, इसलिए मुलाजम ने दूर आने जाने से मना कर दिया। हाँ, जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सालार को खूब खड़ी खोटी सुनाई कि एक तो मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया है, दूसरा तुम्हारा रखा हुआ मुलाजम भी मेरी किसी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता, ना ही मुझे कोई सामान ला कर देता है, जिस पर मेरी मदद के लिए मेरे शोहर ने एक 16 साल लड़का रखवा दिया था जो मेरी बाहर की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी अच्छे से उठाता। लड़के को देखकर मेरा दिल ही जल गया था। वो एक 16 साल का लड़का था, वो मेरी ज़रूरियात क्या पूरी करता। अलबत्ता मेरे पाँव की बेड़ी ज़रूर बन गया था, इसलिए मैं चाहती थी कि उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे जल्द ही यहाँ से निकलवा दूँ, मगर मुझे कुछ भी करने की नौबत पेश ही ना आई, क्योंकि मैं इस बात को बखूबी जान गई थी कि जितना बच्चा मैं उसे समझ रही हूँ वो इतना बच्चा नहीं है। एक दिन मैंने उसे बारिश में सामान इकट्ठे करते देखा तो मुझे ये बात समझ आ गई कि यह 16 साल लड़का भी मेरी सारी ज़रूरियात पूरी कर सकता है, और अब मैं उसे अपने सामने बिठा कर उसकी जानब प्यार से देख रही थी ताकि अंदाज़ा लगा सकूं कि उसे उन सब चीज़ों के बारे में पता है या मुकम्मल तौर पर बताना पड़ेगा। एक दिन मैंने उसके सामने एक ड्रामा प्ले करके रख दिया। मुझे शुरू से ही पाकिस्तानी ड्रामे देखने का बहुत शौक था और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वो एकदम बौखला गया था, उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था। अब तो मैंने सुख का सांस लिया था, मेरी दिली मुराद भर आई थी। आखिरकार मेरी ज़रूरियात का घर पर ही बंदोबस्त हो गया था और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के को अपने करीब करना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन मैंने ये हिम्मत करते हुए उसे गले भी लगा लिया, और ये जानकर मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही कि वो भी मेरे करीब आकर आराम से खड़ा हुआ था और मेरी इतने दिनों की मेहनत आखिरकार रंग ले आई थी। कहा जाता है कि पत्थर पर भी मुसलसल पानी फेंका जाए तो उसमें भी शगाफ हो जाता है, ये तो फिर एक कम उम्र बोला बाला मासूम सा बच्चा था जिस पर नई नई जवानी आ रही थी, तो ये कैसे मेरी तरफ माइल ना होता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जान गई कि वो था तो 16 साल बच्चा, लेकिन उसे हर चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाही थी, क्योंकि इस तरह के बच्चे जैसे माहौल में परवरिश पाते हैं वहाँ पर सब कुछ खुल्लम खुल्ला होता है। शायद यही वजह थी कि वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा था। और फिर एक दिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में बुलाकर अपने पैर यानी घुटने दबाने के लिए कहा। वो मुझे दबा रहा था और मुझे सुकून महसूस हो रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके और अपने दरमियान के सारे पर्दे गिरा दिए और उसके साथ मसरूफ़ हो गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुकम्मल मदगम थे और हमारी सांसें तेज तेज चल रही थीं। वो 16 साल लड़का था लेकिन उसमें पूरे मर्द जितनी ताकत थी। बहरहाल मैं खुश थी कि मेरे हाथ में एक ऐसा मोहरा लग चुका था जिसे इस्तेमाल करके मैं खुश रह सकती थी, ना ही तो मेरे शोहर को इस बात के बारे में शक होता और ना ही मुलाजम को। मैं एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारती रही, मुझे अपने गुनाह पर कोई भी नदामत या शर्म नहीं महसूस हो रही थी।
मगर मैं नहीं जानती थी कि ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला। बहुत जल्द मैं भी पछताने वाली थी। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन सालार के रवैये ने मुझे ऐसा बना दिया था। मैं गरीब घर की लड़की थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी और किसी हद तक लिबरल भी थी। स्कूल और कॉलेज में मेरा उठना बैठना हमेशा बहुत बड़े बड़े घर की लड़कियों के साथ रहा था, क्योंकि मेरी खूबसूरती ऐसी थी कि लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मुझ पर बुरी तरह से फिदा हो जाती थीं और उन्हें इस तरह से अपनी हुस्न की तारीफें करते देखकर मैं खुश होती रहती थी। फिर मेरी ज़िंदगी में ही सालार आया, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसने मुझे प्रपोज किया तो मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। ये प्रपोजल बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा था। मैंने हमेशा सालार जैसे किसी अमीर शख्स से ही शादी करने का ख्वाब देखा था और ये ख्वाब अब पूरा हो रहा था। उसने जैसे ही मुझे प्रपोज किया, मैंने फौरन उसका प्रपोजल कबूल कर लिया। सालार दिलो जान से मुझे चाहता था, वो भी बहुत खूबसूरत था, मगर मेरी खूबसूरती पर मर मिटा था। जल्द ही वो मेरे घर में रिश्ता लेकर आया तो मेरी माँ दंग रह गई थी। इतने बड़े घर से उनकी बेटी के लिए कैसे रिश्ता आ सकता है? मेरी माँ किसी भी तौर पर मेरी शादी सालार से नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि शादी हमेशा हम पल्ला लोगों में ही अच्छी रहती है। मगर मेरी जिद को देखते हुए मजबूरन उन्हें उस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ी। लेकिन उन्होंने मेरे सामने इस बात का जिक्र किया कि वो मेरी और सालार की शादी वाले दिन अपनी एक शर्त मनवाएंगी और उसके बाद ही इस बात का अच्छे तरीके से फैसला हो पाएगा कि सालार मुझसे प्यार करता है या बस मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा। न जाने मेरी माँ को ये वहम क्यों सताता रहता था कि मुझे कुछ वक्त अपने पास रखने के बाद सालार छोड़ देगा। मैं तो अपनी माँ को तसल्ली देते देते आजिज हो चुकी थी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था। मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहती थी। और फिर मेरी शादी के दिन अम्मा ने उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी डिमांड रखकर मुझे हैरान कर दिया। मेरी माँ हक मेहर में बहुत सारी रकम, घर और गाड़ी लिखवाना चाहती थी। इसके अलावा उन्होंने जो जेवर मुझे चढ़ाया था वो भी हक मेहर में लिखवाना चाहती थी। मैं उनके मुंह से इतनी बड़ी डिमांड सुनकर हैरान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट करूं, जबकि सालार के चेहरे पर भी अजीब से तासुरात थे। फिर उन्होंने जैसे तैसे करके सब कुछ अरेंज कर दिया और मेरी शादी सालार से हो गई। उस वक्त मुझे अपनी माँ के फैसले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मुझे एक अमीर और ताकतवर मर्द चाहिए था। मेरे ख्याल में सालार में ये दोनों खूबियाँ मौजूद थीं तो माँ को क्या ज़रूरत थी हक मेहर में ये सब कुछ लिखवाने की, क्योंकि सालार के साथ शादी करने की बात तो वैसे ही उसका सब कुछ मेरा हो जाता। फिर ना जाने मेरी माँ को ये सब वहम क्यों सता रहे थे, जबकि मैं जानती थी कि सालार मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, कभी भी किसी चीज़ को मेरे ऊपर फौकियत नहीं देगा। मगर आगे चलकर माँ के उस फैसले के पीछे की मसलहत मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि सालार के हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके थे। सालार खूबसूरत और अमीर तो था, मगर मेरी ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम रहता था। उसका ज़्यादा वक्त बैरून मुल्क में गुजरता था और आहिस्ता आहिस्ता ये बात मैं समझ गई थी कि वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बाहर निकल जाता है। मुझे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और शोहर का सुख चाहिए ही चाहिए था, इसलिए मुझे सालार पर बहुत गुस्सा आता था। और फिर अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मैंने गुनाह का रास्ता चुन लिया और बिना गुनाह सवाब का फ़र्क किए अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में अंधाधुंध भागती चली गई। सालार को न जाने किस तरह मेरी हरकतों की खबर हो गई या मुझ पर शक हुआ तो
तो उसने मेरा बाहर आना जाना बंद करके एक सिक्योरिटी मुलाजम रखवा दिया। मैंने उसे भी रुझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो मेरे हाथ ना आया तो मैंने सालार के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की, जिसके बाद उसने मेरे घर के कामों की मदद के लिए एक 16 साल लड़के को रख दिया। उसे वाजिया तौर पर नहीं कह सकती थी कि उसके मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लगाने से मेरी खास ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, बल्कि मैंने उसी काम के हवाले से ये कहकर लड़ाई की थी और उसने अपनी तरफ से उस लड़ाई का सद्देबाव फराहम कर दिया था। सालार फितरतन नेक और मुखलिस शख्स था जो मुझे बहुत मोहब्बत करता था, मगर अपनी कमजोरी को मेरे सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। मैं चाहती थी कि वो खुद मुझसे सब कुछ शेयर करे ताकि उसका इलाज करवाया जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, मगर शायद उसकी अना इस बात के आड़े आ रही थी और मेरे सामने ये बात कहने से डरता था और मैं खुद से उसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि ऐसी कोई बात मर्द से करना उनकी अना पर तोहमत लगाने के मुतरादिफ होती है। मैं उसे छोड़ना भी नहीं चाहती थी और उसके साथ रहते मेरी ज़्यादातर ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने ये हल निकाला था और अब उस 16 साल लड़के पर नज़र रखना शुरू कर दी और फिर उसके साथ तो ताल्लुकात बना लिए। इस तरह मेरे दिन रात उस 16 साल लड़के के साथ गुजरने लगे। वो था तो हमारा मुलाजम है, लेकिन एक शोहर का किरदार निभा रहा था, मगर मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ रबते बनाने के नतीजे में मैं किस किस्म की मुसीबत में फंसने वाली हूँ। मैं उसके साथ खुशी खुशी रह रही थी और अब अपने शोहर से लड़ाई करना भी बंद कर दी थी। जब कभी भी सालार की कॉल आती तो मैं उसके साथ बहुत ही खुश दिली से बात करती थी और सालार हैरत ज़्यादा था कि मैं कैसे उसके साथ अब आराम से बात कर लेती हूँ। इस तरह कुछ दिनों के बाद सालार ने घर वापस आने का प्लान बना लिया, जबकि अब मैं नहीं चाहती थी कि वो घर वापस आए, मगर मैं उसे रोक भी नहीं सकती थी। इसी तरह सालार घर आ गया और मुझे उस लड़के के करीब जाने का मौका ना मिला, लेकिन मेरे दिल में जैसे कोई बेचैनी सी भरी हुई थी। मैं चाहती थी कि जल्दी से उसके पास चली जाऊं। उसके साथ पिछले 3 महीने से रह रही थी, वो मेरी अच्छी खातिरदारी कर रहा था। अब मुझे उसकी इस कदर आदत हो चुकी थी कि मेरा कोई भी पल उसके बगैर नहीं गुजरता था, जबकि सालार जब भी मेरे करीब आता था न जाने क्यों मेरा दिल करता कि मैं उसे परे धकेल दूँ और उसी लड़के के पास चली जाऊँ। वो लड़का भी मुझे सालार के साथ बैठे देखकर हसद भरी नज़र डालता और वहाँ से चला जाता, जबकि मैं अपना दिल सुखेड़ कर रह जाती थी। मैं सालार के होते उसके पास जाकर सालार को शक करने का कोई मौका नहीं दे सकती थी। सालार कुछ वक्त घर में गुजार कर चले गए और उसे मुझ पर शक नहीं हुआ। मैं दिन रात फिर उसी लड़के के साथ गुजरने लगे। जब एक दिन मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ, मैं हैरान रह गई। ये बच्चा सालार का नहीं था, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती थी ये बच्चा उस 16 साल लड़के का था। मैं सर पकड़ के उसके सामने बैठी हुई थी और बेहद परेशान थी, जबकि वो मेरी तरफ हैरत से देख रहा था और कह रहा था कि उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चा किसी का भी हो। जिस पर मैंने एकदम उसकी तरफ देखा था वो किस कदर हकारत भरे जुमले मेरे लिए बोल रहा था, ये बात मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लगी थी। मैंने उसे गुस्से में बात की और उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोला। उस लड़के ने मेरी तरफ अजीब सी नज़र से देखा और पलटकर वहाँ से चला गया। मैंने उस दिन उसे अपने पास ना बुलाया और ना ही अगले दिन बुलाया, क्योंकि अब मेरा ज़मीर मेरी रूह को हिलाने लगा था और मुझे मेरे गुनाहों का एहसास दिलाने लगा था। कई दिन गुजर गए थे, मैं उस लड़के से कतराई कतराई फिर रही थी, उन्हें ही उसके साथ रबते बनाए थे, जब एक दिन अचानक मुलाजम छुट्टी लेकर घर से चला गया।
तो वो लड़का मेरे कमरे में आया। जब मैंने उसे दूर करना चाहा, तो उसने मेरे बालों को पकड़कर मुझे बेड पर फेंक दिया और कहने लगा कि जब तुम्हारा दिल करता था तो तुम रबते बनाती रही हो और अब तुम इस तरह से मुझसे दूर जा रही हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं अकेली उसे अपना पीछा छुड़ा सकती थी क्योंकि मैं उससे उम्र में बड़ी थी। मेरा कद काठ भी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि दरवाजे में 3-4 उसके तरह के और लड़के खड़े हुए थे और उन्होंने मुझे पकड़कर सारी रात मेरे साथ जस्सो पंजू खेल खेला था। मैं किसी को भी मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती थी क्योंकि ये सब मेरी अपनी वजह से हुआ था। लेकिन अभी भी वो लड़का मेरे सरहाने बैठा हुआ था और मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहा था, जबकि मेरा उस वक्त चीखे मार मार कर रोने को दिल कर रहा था। उस 16 साल नौकर ने कहा कि अब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है, कल मेरा हिसाब कर देना। अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारी तमाम करतूतों के बारे में तुम्हारे शौहर को बता दूंगा। मैं चाहता था कि सारी जिंदगी तुमसे रिश्ता बना कर रखूँ और तुम्हारा वफादार रहूँ, लेकिन तुम्हारी जैसी औरतें किसी एक पर नहीं टिक सकती। तुम्हें मुझसे भी बढ़कर किसी की तलब होने लगी है। शायद तुम्हारा शौहर अब तुम्हारी जरूरियात पूरी करने लगा है, इसलिए तुम ये सब करने लगी। और इतना कहने के बाद वो मेरे मुंह पर थूक कर चला गया और मैं जिल्लत के एहसास से जमीन में गड़गड़ रह गई थी। अगले दिन मुलाजम वापस आ गया तो मैंने उसका हिसाब करके चुपचाप उसे फारिग कर दिया और उसके बारे में किसी से भी कोई बात ना की। मेरे शौहर हमेशा के लिए वापस आने का सोच रहा था और फिर एक दिन वो वापस आ गया। मैंने उसे माँ बनने की खुशखबरी सुनाई तो वो हद से ज़्यादा खुश हो गया। उसे आज तक इस बात का पता नहीं चल सका कि ये बच्चा उसका नहीं बल्कि उस 16 साल नौकर का है। उसने बाहर जाकर अपना इलाज करवाया था और अब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त होकर वापस आया था, जबकि मैं इस कदर बेसब्री थी कि कुछ वक्त उसका इंतज़ार नहीं कर सकी थी और उसकी इज्जत को किसी और के हवाले कर दिया था। मैं दिन रात अपने उस गुनाह पर पछताती हूँ और माफ़ी मांगती रहती हूँ। पता नहीं मुझे माफ़ी मिलेगी या इसी तरह तड़प तड़प कर ही अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम करूँगी, क्योंकि उस गुनाह के बाद कभी भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैं जब जब उस बच्चे को देखती हूँ मुझे अपने गुनाह याद आते हैं और ये बच्चा मेरे लिए एक तरफ से एक सज़ा है, क्योंकि मैं खुद को सज़ा देना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए भी अपने करतूतों को नहीं भुलाना चाहती हूँ और ये बच्चा मुझे अपने करतूतों की याद दिलवाता है और मैं हर वक्त तौबा पढ़ती रहती हूँ। मैं अपने रब से माफ़ी मांगती रहती हूँ। अपने शौहर को धोखा देना, उसे गलत बयानी करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, मगर मैं क्या करती, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी थी। अब मैं बिल्कुल खामोश और संजीदा रहने लगी थी। उस बच्चे के बाद भी ऊपर वाले ने मुझे दूसरे बच्चे अता किए, लेकिन मेरी खामोशी और संजीदगी को देखकर मेरा शौहर हर वक्त मुझसे पूछता था कि तुम्हें क्या हुआ है, माँ बनने के बाद तुम इतनी चुप चुप हो गई हो, हालांकि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें ये कहकर टाल देती कि माँ बनने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, इंसान संजीदा हो जाता है। पहले मेरे अंदर बचपना था, ऐसी बातें करके मैं अपने शौहर को बहला लेती थी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे सच बता सकती। बाज़ुकात इंसान से इस तरह के गुनाह हो जाते हैं कि वक्ती तौर पर उसे कुछ अंदाज़ा नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और वो किस रास्ते का मुसाफिर बन चुका है। लेकिन एक इज्जतदार और गैरतमंद बीवी को चाहिए कि वो हर हाल में अपने शौहर की इज्जत को संभाल के रखे और हर हाल में अपनी तलब और ज़रूरत का महवर अपने शौहर पर मुहित रखे।
आजकल तो ये एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर औरत दूसरी औरत को देखकर चलती है कि अगर वो किसी से रابطे में है तो क्यों ना मैं भी किसी से रابطा रखूं। लेकिन हर हाल में इस बात का ख्याल रखें कि जना एक कर्ज है जो हर हाल में आपके घर से ही हासिल किया जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हर हाल में अपनी इज्जत की हिफाजत करें और कभी भी किसी के सामने इज्जत को पामाल ना होने दें। शुक्रिया।